इसराइल और फिलिस्तीन में जारी जंग के बीच दुनिया की निगाहें अमेरिका पर टिकी हैं, क्योंकि इसराइल हमास को खत्म करने का मन बना चुका है और इसराइल के इस मकसद में उसका पुराना दोस्त अमेरिका उसका खुलकर साथ दे रहा है। इसराइल ने जब मदद मांगी तो अमेरिका ने भी मंगलवार को अपनी पक्की दोस्ती का सबूत देते हुए खतरनाक हथियारों से लदा एक विमान इसराइल भेज दिया। अब खबरों की माने तो अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक बम वर्षक विमानों में से एक B-52 को इसराइल भेजा है। ऐसा तब है जब इसराइल और हमास के आतंकियों के बीच पिछले 5 दिनों से युद्ध लगातार जारी है, मगर हमास की नींदें उड़ाने के लिए अब रॉकेट और मिसाइलों के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री भी इसराइल दौरे पर हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बुधवार को इसराइल की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान वे इसराइल के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा से इतना तो साफ है कि अमेरिकी विदेश मंत्री की यात्रा इसराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए है और दुनिया को ये बताने के लिए है कि अमेरिका इस युद्ध में इसराइल के साथ खड़ा है और इसराइल भी अमेरिका के साथ मिलकर हमास के आतंकियों को खत्म करके ही दम लेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस हमले की कड़ी निंदा कर चुके हैं। इससे पहले अमेरिकी NSA भी दावा कर चुके हैं कि हमास के आतंकियों ने कई अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना रखा है और 13 से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह की और खबरों के लिए दैनिक जागरण के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।